थैंक यू वेरी मच. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे रागगिरी के इस सीरीज में इनवाइट करा. और बिल्कुल एक भजन से शुरू करते हैं. प्रीतम जान ले हो मन माही, प्रीतम जान ले हो मन माही, अपने सुख सोही जग फांदियो, अपने सुख सोही जग फांदियो को काहु को नाही, प्रीतम जान ले हो मन माही. फैमिली में बिल्कुल भी नहीं था म्यूजिक, लेकिन जैसा कि आपने खुद ही इस सेशन की शुरुआत की भक्ति से, भगवान की वंदना से, तो मैं समझती हूँ कि म्यूजिक ईश्वर की देन होती है. जिन्हें विरासत में मिलती है उनका और भी सौभाग्य है. और जैसे मैं एक म्यूजिक फैमिली को बिलोंग नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं ये आशीर्वाद है, एक गिफ्ट है. तो शुरुआत तो वहां से ही हो गई. आप समझिए कि यूनिवर्स ने सबसे पहले जो है वो गिफ्ट, म्यूजिक का जो गिफ्ट है वो एक वरदान मुझे मिला, ऐसा मैं समझती हूँ. उसके बाद जो हमारे भगवान रूपी जो माता पिता होते हैं, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हम इस यूनिवर्स में आते हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा मुझे म्यूजिक की तरफ मेरा रुझान पैदा करने के लिए. गाते तो वो नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जरूर सुनकार रहे होंगे. और एक आइडेंटिफाई करना कि बच्चे में शायद थोड़ी कला है. एंड एक्चुअली आई एम बंगाली, तो बंगाली परिवारों में थोड़ा सा आर्ट और कल्चर की तरफ उनका रुझान थोड़ा ज्यादा होता है. तो बचपन से ही थोड़ा सा ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, इन सब चीजों की तरफ मुझे थोड़ा शुरू से ही उन्होंने प्रोत्साहित किया एज अ चाइल्ड. और उसके बाद वो कहते हैं ना कि जिसमें एक धुन की लग गई फिर उसको लेके फॉलो किया. वैसे मैंने कथक भी सीखा था जब मैं छोटी थी, थोड़ा बहुत ड्राइंग पेंटिंग भी मैं कर लेती हूँ, तो थोड़ी बहुत लिखने की भी मुझे इच्छा रहती है तो मैं लिखती भी हूँ थोड़ा बहुत. लेकिन लेखक नहीं कह सकती अपने आप को, ना ही पेंटर कह सकती हूँ, ना ये सारी थोड़ी बहुत चीजें करती हूँ मैं. पर म्यूजिक की तरफ पहले एक डिसिप्लिन क्रिएट हुआ, फिर वो डिसिप्लिन इसलिए क्योंकि जमशेदपुर में एक बहुत अच्छे गुरु होते थे, श्री चंद्रकांत आपटे जी, जो मेरे पहले गुरु रहे, जिनसे मैंने 10 साल तालीम ली. उनके वहां जाके मैंने संगीत को एक डिसिप्लिन की तरह देखा, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, 7-8 साल की थी, और जब मैंने उनसे सीखना शुरू किया और इतना उन्होंने मुझे प्रभावित किया अपने संगीत से कि मुझे समझ में आने लग गया कि ये जो चीज है वो इट्स नॉट चाइल्ड्स प्ले, ये बड़ी सीरियस चीज है और इसमें बहुत श्रद्धा, बहुत डेडिकेशन, बहुत डिसिप्लिन चाहिए इस कला को निखारने के लिए. तो वो मुझे वहां जाके पता चली ये बात, और वो शुरू हुई एक डिसिप्लिनरी तरीके से. और आकर्षण मुझे हुआ उसका ऑलमोस्ट, मुझे 7-8 साल लग गए उसके तरफ. एक कहते हैं ना कि समझ में आने लगा कि नहीं, इसके बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं. ये फीलिंग आने में भी बहुत वक्त लग गया, मुझे लगता है 7-8 साल तो लग ही गया मुझे इस फीलिंग को समझने के लिए. उसके पहले तक मैं कहते हैं ना कि एक नदी के स्रोत की तरह बहती जा रही थी, उसके साथ मजा आ रहा था मुझे. और जमशेदपुर में बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत अच्छी हेल्दी कॉम्पिटिशन हुआ करते थे, तो वहां पे मैं पार्टिसिपेट वगैरह किया करती थी और प्राइजेस भी खूब जीते. तो वो एक बचपना सा था कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ मजा भी आ रहा है, थोड़ा उत्साह भी मिल रहा है, लोग वाहवाही भी कर रहे हैं, सारी चीजें होती रही, तो उन सब चीजों से मोटिवेट होती रही. लेकिन आखिर में आके पता चला कि नहीं, ये तो जीवन है,
वो महसूस होते होते वक्त लगा मुझे, शायद मैं 16-17 साल की होंगी तब मुझे लगा कि नहीं ये करते रहना है मुझे, और क्या करूंगी वो नहीं पता, लेकिन म्यूजिक तो करना है ऐसा लगता था मुझे। नहीं, जमशेदपुर एक्चुअली बहुत प्रोग्रेसिव सिटी है, हालांकि इट्स पार्ट ऑफ उस वक्त साउथ बिहार अब झारखंड, बट बिकॉज इट वॉज ओन्ड बाय द टाटा, यू नो टाटा नगर कहते हैं उसको, वहां पे स्टील प्लांट है तो सारे लोग वहाँ टाटा स्टील में ही काम करते हैं और उनके ही बच्चे, तो छोटा सा शहर है, सभी प्राय एक दूसरे को जानते ही थे। और मैं तो कहूंगी उल्टा था कि अच्छा ये भी सीख रही है, मेरी भी बेटी भी सीखेगी या अरे मेरा बेटा भी सीखेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरे गुरुजी के खुद के 400-500 स्टूडेंट्स हैं। नहीं, फैसला जल्दी नहीं लिया था, फैसला तो काफी लेट लिया कि अब कुछ और नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत एकेडमिकली स्ट्रांग फैमिली से आती हूँ। मेरे पिताजी IIT KGP के स्टूडेंट रहे, सिविल इंजीनियर रहे, मेरी माताजी टीचर थी स्कूल की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ाती थी, और बहुत स्ट्रिक्ट मेरे स्टडीज का भी, जो एक कहते हैं ना कि घर में बहुत होना कि नहीं बच्चों को पढ़ाई करनी है, और हम मिडिल क्लास सर्विस बैकग्राउंड से आते हैं तो संगीत को आगे करियर करना है ये नहीं था ऑनेस्टली। फैमिली की तरफ से भी ऐसा था कि नहीं, जैसे होता है कि पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी करेंगे, सेटल होंगे जिंदगी में, वी मस्ट अर्न अ लिविंग, तो संगीत के द्वारा अर्न अ लिविंग हो सकता है ये शायद इतना नहीं था, क्योंकि सर्विस क्लास फैमिलीज में कहाँ होता है आप बताइए, बहुत कम हो पाता है इस तरीके का, क्योंकि एक अनसर्टन, अगर करियरिस्टिकली देखें तो म्यूजिक इज अ वेरी अनसर्टन करियर। लेकिन गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, मेरी जो उससे एक उनसियत जो हो गई ना संगीत से, वो फिर भी मैं कहूंगी ये अर्ली नहीं था, लेट ही हुआ, 16-17। बहुत लोगों को मैं, अब तो मैं सोचती हूँ कि 16-17 की उम्र में लोग मतलब छा जाते हैं, अब जैसा माहौल चल रहा है, 17-18 साल की उम्र में तो लोग मतलब दे हैव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड काइंड ऑफ हो गया है, 21-22 में पीपल आर सेलिब्रिटीज टुडे। तो 16-17 में मुझे ये महसूस होने लगा कि संगीत में शिक्षा, डिसिप्लिन, उसके प्रति एक, जैसा आपने कहा बहुत अच्छा शब्द आपने यूज किया, समर्पण, और उसके साथ एक हो जाना, वो मैं जब मैं 16-17 साल की थी, एक्चुअली मैं गुरुजी के पास तो सीख ही रही थी, चंद्रकांत जी के पास, उसके बाद मेरी मुलाकात हुई उस्ताद दिलशाद खान साहब से, परवीन जी के हस्बैंड, परवीन सुल्ताना जी से, और उस्ताद दिलशाद खान साहब से, दोनों से ही मेरी मुलाकात हुई, अकस्मात हुई, मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त की वाइफ के ब्रदर हैं दिलशाद खान साहब, तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई और कुछ माहौल ऐसा बना कि उन्होंने, मैंने भी सीखने की इच्छा जताई, उन्होंने भी सिखाने का जो बेड़ा है वो लिया, उसके बाद जो मेरा एक डिसिप्लिन तो मैं समझ ही रही थी, लेकिन अल्ट्रा डिसिप्लिन के ये जी तोड़ मेहनत है, ये लोहे के चने हैं, ये संगीत को करना, आग का दरिया है डूब के जाना है, वो वाली बात है। तो बिल्कुल वो जो एक उनसे जो वो मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे जिस तरीके से संगीत के तरफ फिर से रीइंट्रोड्यूस किया, तो मुझे समझ में आने लगा कि नहीं ये तो एक इनफाइनाइट स्पेस है, ये इसमें इसमें कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स ओनली अ बिल्कुल जर्नी। ये बात मुझे 16-17 साल की उम्र में समझ आई, और तब मैंने ये सोच लिया कि और जो भी करूं, संगीत तो एक निरंतर चलने वाला, जैसे कि सांस है वैसे ही संगीत, जब तक आजीवन, तो वो मैंने तय कर लिया। लेकिन करियर नहीं, नॉट रियली, मैंने ये नहीं सोचा था कि करियर करूंगी इसके, और अब भी मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं इसमें करियर कर रही हूँ, अब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें बह रही हूँ, और जो चीजें हो रही हैं वो यूनिवर्सल मेज है, वो अपने आप हो रही है, मैं उसके पीछे, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकती, ये भी रियलाइजेशन, ये अब 20 साल कट टू, आज मैं 37 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो 20 ईयर्स हो गए हैं इस रियलाइजेशन को कि मैं इसके बिना जी नहीं सकती हूँ, और अब मुझे ये समझ में आने लगा है कि बाकी जो चीजें उस पर आपका वैसे भी कंट्रोल है नहीं, कि मुझे ये करना है या वो गाना गाना है या इस कंपोजर के साथ काम करना है या इस स्टेज पे मुझे बैठना है, मुझे लगता है कि ये गोल्स जो हैं ये
ये बहुत दिमागी, बहुत सेरिब्रल गोल्स हैं, लेकिन म्यूजिक इज वे बियॉन्ड दैट सेरिब्रल कंट्रोल. तो वो चीजें अपने आप चल रही हैं. मैं जो कर रही हूँ वो है कि उस चीज को पकड़ के रखना जितना मेरे से हो सके. बिल्कुल, यही वजह थी कि मैंने बीच में एमबीए भी किया. और भी एक वजह ये थी कि सी इंडिया एज अ कंट्री इज स्टिल अ प्लेस जहां लोग एकेडमिक्स को ही एक स्थायी रूप से एक करियरिस्टिकली एक फाउंडेशन मानते हैं. बाकी चीजें आपका अगर पैशन लेवल बहुत हाई है ना तो ही आप करिए, क्योंकि बाकी चीजों का एक जो एक स्ट्रीमलाइन होता है वो स्ट्रीमलाइन बना हुआ नहीं है. एवरीबडी इज राइटिंग देयर ओन पर्सनल जर्नी. मेरी जर्नी से किसी और को फायदा नहीं होने वाला, या मेरी जर्नी किसी और के लिए रूल बुक नहीं बन सकता. लेकिन अगर आप एकेडमिक्स परस्यू करेंगे तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि भाई ये करोगे तो ऐसा होगा, इस इंस्टीट्यूशन से पास करोगे तो इतने सारे कंपनीज वहां आते हैं, आपका यहाँ यहाँ हो सकता है. तो ये जो चीज है जिस सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं वो इस फील्ड में नहीं. तो हाँ, कुछ हद तक मैं कहती हूँ कि वो जो एमबीए का डिसीजन था वो थोड़ा सा पेरेंट गाइडेड भी था कि पढ़ाई और कर लो, ग्रेजुएशन से क्या होने वाला है जिंदगी में. तो वो था. मैंने एक्चुअली प्रोग्राम में नहीं, एक प्रोग्राम के तहत ही एक कंपटीशन होता है जो कि एक नेशनल लेवल ऑल इंडिया कंपटीशन है, और उसमें मैं 16 साल की उम्र में, जी हाँ, मैं यंगेस्ट पार्टिसिपेंट रही और मैंने वहां एक नेशनल मेरिट जीता साल 2000 में. वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बहुत बड़ा आई ओपनर था, क्योंकि पहली बार एक नेशनल लेवल के इट वॉज लाइक एन एग्जाम, एक परीक्षा जैसी थी वो, क्योंकि एक क्लोज्ड रूम में था. इट वॉज नॉट अ पब्लिक परफॉर्मेंस जिसको जज किया जा रहा था, बिल्कुल क्लोज्ड रूम के अंदर आपको एक परीक्षा की तरह वो अटेम्प्ट करना होता है. और मुझे आज भी याद है, मैंने मियाँ की तोड़ी वहां सुनाया था, और 10 मिनट में आपको अपनी कला का प्रदर्शन करना पड़ता है, और उसमें कई सारे राउंड्स होते हैं, कुछ 2-3 राउंड्स होते हैं. तो उसको पार करने के बाद 5 लोग सिलेक्ट होते हैं फॉर द नेशनल मेरिट इन ईच कैटेगरी. तो मैंने ख्याल में पार्टिसिपेट किया था और उसमें मुझे नेशनल मेरिट मिला था. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा अनुभव था. मुझे ये समझ में आने लग गया कि ये जो चीज है वो मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि उसमें एक इनफाइनाइट स्पेस को मैंने डिस्कवर किया. और मैं ये इनफाइनाइट बार बार ये शब्द इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में आगे चल के लाइट म्यूजिक भी किया, बॉलीवुड में भी गाया, मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी गाया. तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है. और ख्याल प्योर क्लासिकल जो है, जिसको मैं पकड़ के रखना चाहती हूँ और जो मेरा धरोहर है, जिसे वो उसका मुझे लग गया कि नहीं, ये तो कुछ और है. लटहुलझी सुलझा जा बालमा, हाथों में मेहंदी लगी है मोरी, हाथों में मेहंदी लगी है मोरी, हाथों में मेहंदी लगी है मोरी. लटहुलझी सुलझा जा बालमा, माथे की बिंदिया बिखर गई मोरे, माथे की बिंदिया बिखर गई मोरे, अपने हाथ लगा जा बालमा, अपने हाथ लगा जा बालमा. लट भुलज सुन जा बेहतरीन. मैं कहूंगी जिंदगी में जितने भी मेरे म्यूजिकल एक्सपीरियंसेस रहे उसमें से एक माइलस्टोन एपिसोड था सारेगामापा का मंच. और उस वक्त मैं आपसे कहूं सर ये कि वो रियलिटी टीवी नहीं था उस वक्त, वो एक टैलेंट हंट था. तो उस और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत अलग थी. एंड दैट इज नॉट टू से कि आज जो हो रहा है वो It's not, I'm not going to pass a judgment on that. But at the same time, I think उसमें जो reality थी वो आज नहीं है.
इट वॉज रियली रियल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जब एक जजेस चॉइस का राउंड होता था तो सचमुच जज उस वक्त उस मोमेंट पे हमें एक गाना देते थे और ऐसा हो सकता था कि वो गाना हमें ना आता. तो इट वॉज रियली रियल एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू से नो दैट आई डोंट नो दिस सॉन्ग, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ. फाइनल्स में 3 गाने मुझे दिए गए और मुझे उसमें से एक भी नहीं आता था. तो जो मुझे सबसे उस दिनों में मुझे जो सबसे ठीक से आता था मैंने वो अटेम्प्ट कर लिया. तो इट वॉज दैट रियल. और उसके अलावा भी जो दूसरे एक्सपीरियंसेस थे कि एक मतलब बटरफ्लाइज इन द स्टमक होना, उस मोमेंट के अंदर चीजें होना. मुझे याद है मैंने फाइनल्स वर्ल्ड सीरीज जब मैं जीती थी तो वो दुबई में हुआ था, तो बहुत ठंड थी वहां पे, ओपन स्टेज था. और मुझे याद है कि जो कॉस्ट्यूम्स थे लड़कियों के वो थोड़े से ऐसे स्लीवलेस और ये वो, तो मैंने बहुत मिन्नतें की डायरेक्टर साहब से कि प्लीज मुझे स्वेटर पहनने दीजिए उसके नीचे. तो मैंने अपने 3 एपिसोड्स में अपने सलवार कमीज के नीचे काला स्वेटर पहना हुआ है. तो वो मेमोरीज जो है वो उसमें बड़ा एक इनोसेंस था सर, मैं क्या बताऊँ आपको. बहुत इनोसेंट होते थे उस वक्त चीजें के रियल, जिसको हम कहते हैं कि सब सचमुच हो रही है वो चीज. और इतना ऑकवर्ड, मुझे याद है कि मेरी मम्मी ने बोला था इतना ऑकवर्ड सा लग रहा है, इतने खूबसूरत तुम्हारे ड्रेसेस और नीचे एक काला स्वेटर पहन लिया तुमने हर ड्रेस के नीचे. मैंने कहा बट दैट इज वो नीड ऑफ द आवर था, वरना वो कांपती रहती है मैं वहां स्टेज के अंदर. तो ये सब चीजें. बट या इट वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. और मेरे जो जजेस रहे वो एक से एक दिग्गज कलाकार थे. यस, गिरिजा देवी जी, सितारा देवी जी, अभिदा परवीन जी, मतलब स्टॉलवर्ट्स जिनका संगीत सुन के हम आज भी मतलब जिनको प्रणाम करते हैं, जिनके सामने नतमस्तक होते हैं, वो कलाकार.